वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही प्रिटी राखी मेकअप लुक। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं ले रही हूं सीरम और इसे मैं अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई कर रही हूं। ये कुमकुमादी फेशियल ऑयल है, बहुत अच्छा फेशियल ऑयल है। उसके बाद मैंने लिया है ऑरेंज करेक्टर, बट ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करने से पहले मैं प्राइमर यूज करूंगी जो कि है कलर बार का प्राइमर। मैं हमेशा ना कई बार ऐसा होता है कि मैं मिस कर जाती हूँ प्राइमर, इसलिए मैंने मुझे फाइनली याद आ गया तो मैंने अप्लाई कर लिया। देन इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑरेंज करेक्टर। प्राइमर वैसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है पोर्स ब्लर हो जाते हैं और वो फिनिशिंग भी बहुत अच्छी देता है मेकअप में। सो इसके बाद मैंने लिया है, आप देख सकते हैं मैं ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ और इससे क्या होगा ना, जो भी मुझे डार्क स्पॉट्स हैं या रेडनेस है वो हाइड हो जाएगी। और ये एले गल के कंसीलर हैं, बहुत अच्छे कंसीलर हैं, इनका कवरेज बहुत अच्छा होता है, मैंने मेरे ऑलमोस्ट सभी वीडियोस में बताया है। और सो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं ले रही हूँ एले गल का ही येलो करेक्टर। अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी इस तरह से, जहाँ भी मैंने ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया था। देन मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से, डैप डैप करके इस तरह से। आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। और देन मैं लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर मेबलिन फिच मी, और ये बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है, बहुत ही लाइट वेट है और बहुत अफोर्डेबल भी है। सो इससे मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी जिससे कि कोई भी क्रीज लाइन ना बने और कंसीलर जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। देन मैं ले रही हूँ ग्लैम 21 का आई शेडो पैलेट और इसमें से मैंने पिक किया है पिंक शेड, और इसे मैं इन एंड आउट डायरेक्शन में इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी और आउटर वी पर भी इसे अप्लाई कर लूँगी। और बिकॉज मैं कट क्रीज ड्रॉ करूँगी, सो अभी मैं कंसीलर ले रही हूँ और जो और येलो करेक्टर था वो मैंने लिया है और इससे मैं कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ अपने आईलेट पे। आप देख सकते हैं जब भी आप कट क्रीज बनाएं तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये स्काई ब्लू कलर जो कि मेरे ड्रेस में है। सो मैं जहाँ भी मैंने कट क्रीज बनाया ना वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगी ब्रश की हेल्प से। इससे क्या होता है ना, कलर अगर आप कंसीलर अप्लाई करते हैं तो कलर भी बहुत अच्छे से प्लेस होता है। सो इस तरह से मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। देन मैं ले रही हूँ शुगर का आईलाइनर और इसे मैं अप्लाई कर लूँगी इस तरह से, विंग लाइनर थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँगी। और इसके बाद मैं ले रही हूँ मस्कारा और ये है मेबलिन सेंसेशनल मस्कारा और ये बहुत अच्छा मस्कारा है, सॉरी मेबलिन हाइपर कल मस्कारा, और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देता है। उसके बाद मैं ले रही हूँ एले गल का फाउंडेशन और मैक की स्टोक क्रीम, दोनों को मैंने मिक्स करके अप्लाई किया है और स्टोक क्रीम बहुत अच्छी फिनिशिंग देती है और इसलिए मैंने इसे अप्लाई कर लिया। देन मैं पूरे फेस पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ अगेन कंसीलर, जहाँ भी मुझे फेस पे हाईलाइट करना है ना वहाँ मैं इसे अप्लाई करूँगी और देन ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और जो सेम मैंने आईलेट पे कलर अप्लाई किया था वही मैंने लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैं ले रही हूँ ये शुगर के आई शेडो पैलेट से, सॉरी ब्लश पैलेट से, ये 3-in-1 पैलेट है, इसमें ब्लश हाइलाइटर और कॉन्टोर मिलता है। इसमें से मैंने ब्लश भी अप्लाई कर लिया है, देन मैं कॉन्टोर भी कर लूँगी इस तरह से और सेम पैलेट से मैं हाइलाइटर भी अप्लाई कर लूँगी। बिकॉज ये काफ़ी अच्छा पैलेट है, आपको अलग अलग कैरी करने की नीड नहीं होती, सारी चीज़ें आपको एक ही पैलेट में मिल जाती हैं। सो इस तरह से मैंने हाइलाइटर भी अप्लाई कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है और आईज में मैंने इनर कॉर्नर में इस तरह से अप्लाई कर लिया। देन मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट और इसमें से मैंने लिया है ये डार्क ब्राउन शेड, इससे मैं अपनी आईब्रोज फिल कर लूँगी। देन मैं ले रही हूँ ये इन कलर मैच मी का आई थिंक 415 शेड है और ये बहुत अच्छा शेड है, न्यूड शेड है, पीच टाइप का। और इसके बाद मैंने लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का, सॉरी स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड दिस इज द फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।